हेलो स्टूडेंट्स, प्लस वन बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बिजनेस रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के बारे में जाना था। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस के बारे में। बोलने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले हम एश्योरेंस के बारे में जानते हैं, एश्योरेंस क्या है। द टर्म एश्योरेंस इज यूज्ड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो एश्योरेंस टर्म है, ये शब्द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए यूज किया जाता है। इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इट्स मीनिंग इज दैट द पॉलिसी होल्डर इज एश्योर्ड ऑफ रिसीविंग मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जीवन बीमा में इस शब्द का अर्थ ये होता है कि बीमाधारी को बीमा कंपनी से भुगतान अवश्य ही मिलेगा। दिस एश्योरेंस इज नॉट ओनली फॉर हिज लाइफ बट ऑल्सो व्हेन ही इज डेड। अर्थात एक निश्चित अवधि में बीमाधारी की मृत्यु होने पर भी और उस अवधि तक उसके जीवित रहने पर भी उसको भुगतान अवश्य मिलेगा। ये था आपका एश्योरेंस। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं इन सिंपल वर्ड्स कि एश्योरेंस शब्द का प्रयोग जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए किया जाता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हम एश्योर होते हैं कि हमें जो है वो अमाउंट जो है हमारा मिलेगा ही मिलेगा, अगर हम जिंदा रहे तो भी, और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे फैमिली मेंबर्स को वो अमाउंट जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अब द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड इन इंडेमनिटी पॉलिसी लाइक फायर इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस पॉलिसी एटसेट्रा। जो इंश्योरेंस शब्द है, इसका प्रयोग हम अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा या आपका थेफ्ट इंश्योरेंस होता है, चोरी बीमा इत्यादि के लिए हम करते हैं। इंश्योरेंस हियर मींस दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कॉम्पनसेशन टू द इंश्योर्ड ओनली व्हेन देयर इज सम लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड। इसका अर्थ ये होता है कि बीमाधारी वो व्यक्ति जिसने बीमा करवाया होता है, बीमाधारी को बीमा कंपनी दावे का भुगतान केवल तभी करेगी अगर क्षति होती है, अगर उसकी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो आग से हो, चाहे वो चोरी से हो, या सामुद्रिक बीमा में समुद्र से कोई सामुद्रिक बीमा में माल को कोई क्षति पहुंचती है, तो इस दशा में ही बीमा कंपनी जो है वो पेमेंट करती है। अगर कोई लॉस नहीं होता तो बीमा कंपनी उनको क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करती। तो ये थे आपके दो वर्ड, एक एश्योरेंस और दूसरा इंश्योरेंस। इसमें आपने यही याद रखना, एश्योरेंस शब्द जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए यूज़ होता है, और आपका इंश्योरेंस शब्द जो है वो अदर बीमा जैसे फायर इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस या थेफ्ट इंश्योरेंस इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम डिफरेंस करेंगे इन दोनों टर्म्स के बीच में, डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या अंतर है, तो इस तरह से बच्चों हम तीन कॉलम बना लेंगे। पहला बेसिस का कि डिफरेंस का बेस क्या है, नेक्स्ट में लिखेंगे इंश्योरेंस, और लास्ट वाले में लिखेंगे एश्योरेंस। तो पहला पॉइंट रिलेटेड विद से संबंधित, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इंश्योरेंस किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस, इसमें अग्नि व सामुद्रिक बीमा आता है, ये इससे संबंधित होता है। और जो एश्योरेंस है ये रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस, ये जीवन बीमा से संबंधित है। आपको जैसा पहले भी बता चुकी हूँ कि एश्योरेंस शब्द का प्रयोग लाइफ इंश्योरेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति का भुगतान। तो इंश्योरेंस में क्षतिपूर्ति कब होती है, जब क्षति होगी तभी उसकी पूर्ति मिलेगी। पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जब कोई घटना घटित होगी तभी बीमा कंपनी जो है वो पेमेंट करती है, लेकिन एश्योरेंस में पेड वेदर द इवेंट हैपन्स और नॉट, इसमें पैसा मिलेगा ही
कोई घटना घटित हो चाहे ना हो, अगर व्यक्ति ने अपनी लाइफ का बीमा करवाया है जिंदा रहे तो उसी को अमाउंट मिल जाता है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है उस पीरियड से पहले ही तो उसके फैमिली मेंबर्स को पेमेंट मिल जाती है। थर्ड, नेचर ऑफ रिस्क, जोखिम की प्रकृति। इट इज यूज व्हेन द रिस्क इज ऑफ अनसर्टेन नेचर। जो इंश्योरेंस है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वहाँ किया जाएगा जहाँ जोखिम जो है वो अनसर्टेन नेचर का हो, अनिश्चित हो। जैसे फायर इंश्योरेंस किसी व्यक्ति ने अपना करवाया हुआ है दुकान का या मकान का या गोदाम का, तो अगर फायर से इन तीनों चीज़ों को क्षति पहुँचेगी तभी उसकी पूर्ति जो है वो मिलेगी, अगर क्षति नहीं पहुँची तो उसकी पूर्ति नहीं मिलेगी। और ये अनसर्टेन है, हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता, आग लग भी सकती है और जरूरी नहीं है कि क्षति हो, आग से नहीं भी हो सकती है। लेकिन एश्योरेंस में क्या होता है? इट इज यूज व्हेन द रिस्क इज ऑफ सर्टेन नेचर। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जोखिम जो है वो निश्चित प्रकृति का हो। निश्चित प्रकृति का मतलब है जीवन बीमा में आपको जो है एश्योर है, पेमेंट मिलती ही है, निश्चित है, मिलना ही है पैसा, चाहे जीवित हो या मृत्यु हो जाए। लास्ट पॉइंट, कंडीशन टू क्लेम द कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति के दावे की शर्त। तो इसमें क्या शर्त है इंश्योरेंस की? द इंश्योर्ड मस्ट सफर ए लॉस टू क्लेम कॉम्पनसेशन। अब इंश्योर्ड व्यक्ति को, इंश्योर्ड होता है बीमाधारी जिसने बीमा करवाया है, उसको कॉम्पनसेशन तभी मिलेगी जब उसको लॉस होगी, तभी वो क्लेम कर सकता है क्षतिपूर्ति या कॉम्पनसेशन। और उसमें द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे वेदर द इंश्योर्ड सफर ए लॉस और नॉट। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी को, बीमाधारी व्यक्ति को पेमेंट करनी ही पड़ती है, वो बाउंड है पैसा देने के लिए बीमा कंपनी, चाहे उसको लॉस हो चाहे ना हो। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, और ये पेपर में आ सकता है। दो नंबर का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि इंश्योरेंस या एश्योरेंस किसे कहते हैं, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। थैंक यू, मुझे आई होप कि आपको समझ आया होगा।